सर मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं लास्ट 17-18 सालों से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ और मैं अपने जीवन में अपनी लाइफ में भारत का सबसे तेज बॉलर बनना चाहता था या ये बोल सकते कि मैं भारत की सबसे तेज गति से बॉल फेंकने का रिकॉर्ड बनाना चाहता था, जिसके लिए मैं बोलना चाहिए देश के काफ़ी शहरों में गया क्रिकेट सीखने के लिए, देखने के लिए या कोचिंग के लिए, मतलब या खेलने के लिए। इसको फिर से बोलूँ क्या? जिसके लिए मैं इंडिया के जिसके लिए मैं काफी सारे सिटीज में गया क्रिकेट सीखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए। पर मैं जहां पर भी जाता था, ये मैं किसी को सही किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं जहां जाता था, जिस भी क्लब में, किसी एकेडमी में, तो वहां मैं यही देखता था कि स्टूडेंट आते थे, वो अपना वार्म अप स्ट्रेचिंग करते थे, वो अपने नेट्स करते थे, वो घर चले आते थे। और मैं जितने भी शहर गया मेरे को यही देखने को मिला। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे को एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिले ताकि मैं अपने लक्ष्य तक के पहुंच सकूं, तो मुझे वो कहीं नहीं मिला। जैसे प्रॉपर मार्गदर्शन का मतलब कि कब क्या खाना है, कब कौन सी ट्रेनिंग करना है, आप जब अपना जो वीक का जो ट्रेनिंग प्लान रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपको फास्ट बॉलिंग में ड्रिल्स जो बोलना चाहिए, फास्ट बॉलिंग की स्पीड जो बढ़ाने की जो ड्रिल्स करना है वो कैसे करना है, यानी पूरा एक हर एक मिनट का जो मेरे को गाइडेंस मैं चाहता था अपनी लाइफ में वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मेरे पापा मेरे को बहुत बोलना चाहिए, मैं पूरा फैमिली से आता हूँ, तो मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके मेरे को इधर उधर शहर में भेजते थे, और फिर वहाँ से 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में जब मैं वापस आता था तो बड़ी निराशा होती थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो किया नहीं हूँ कि मेरा बैकअप है पीछे कि मैं भविष्य में चल के जॉब ले लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अब सीधी सी बात है, अगर मैं बेहतर नहीं बनता या बेहतर नहीं हूँ तो मैं क्रिकेटर बन ही नहीं सकता, और जब मैं लाइफ में क्रिकेटर नहीं बनूंगा तो भी मैं जीवन में करूंगा क्या? मतलब कोई विकल्प ही नहीं थे सर, कोई मतलब अगर आप क्रिकेटर ही नहीं बन रहे हो तो आप जीवन, इतनी बड़ी लाइफ है, आपका घर खर्च कैसे चलेगा, तो काफी टेंशन होती थी कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या, आपने पढ़ाई भी नहीं की हो और आपका बैकअप बोलना चाहिए, बैकग्राउंड इतना बोलना चाहिए स्ट्रांग भी नहीं कि आपको कुछ आप घर से कर पाओ, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ी टेंशन होती थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैं घर आता था, मैं आपको बता दूँ जब मैं ट्रेनिंग करता था कई हफ्तों कई महीनों मैं घर से बाहर ही निकलता था, यही सोचना कि अब क्या करूं, कैसे मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, क्या करूं। आज की भी डेट में यही है कि मैं आज भी कुछ नए नए चीज़ें सोचता हूं, तो सर जो भी मेरे को एक्सपीरियंस मिला, मैं हाँ इतने सारे मैं शहरों में गया तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि मैं कुछ भी नहीं सीखा, थोड़ा हर एक शहर में, हर एक जगह से, हर एक सिटी से मेरे को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए सीखने को मिलता था। बस वही चीज़ों को सीखते 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 मैं अपने बोलना चाहिए प्लान को डिस्कवर करते गया करते गया। कोई मतलब किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से मैं मिलता था तो वो कुछ बता देते थे, अगर मेरे को वो बात अच्छी लगती थी तो मैं उसको अपने बोलना चाहिए ट्रेनिंग में एड कर लेता था। किसी ने बोला कि आपको वेट ट्रेनिंग करना है, किसी ने कुछ कुछ भी जो मेरे को टिप्स मिलती थी। इतने ये सब डिस्कवर करने के लिए सर मेरे को 14 साल लगे, और इन प्लान को डिस्कवर करने के लिए जो मेरी कराटे की 2 साल की ट्रेनिंग है उसका काफ़ी महत्व, क्योंकि कराटे में आप जानते हो फिटनेस ही होता है, और मेरी आप ट्रेनिंग भी देखोगे, आप इंस्टाग्राम में जाओगे, आप यूट्यूब पर जाओगे, आप फिटनेस बुक का नाम सर्च करके आप देखोगे तो आप मेरी ट्रेनिंग में देखोगे कि कराटे की ज़्यादा आपको कुछ स्टेप्स दिखेंगे, क्योंकि वो मेरे को जो बचपन से जो मेरे को सिखाया गया था तो वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो मेरे को अच्छा लगा, मतलब जिससे मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को फ़ायदा होने वाला है, तो मैंने कराटे से मतलब वो ट्रेनिंग उठाया। और ऐसा करते करते धीरे 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 ये 14 साल लगे सर इस प्लान को बनने के लिए। मैं खुद बता दूँ आपको कि मैं शुरुआत में जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था मैं इतना फास्ट बॉलर नहीं था, जो आप मेरे न्यूज़पेपर इंटरव्यूज में पढ़ते हो कि भारत का सबसे तेज बनना चाहता है, दुनिया का सबसे तेज बनना चाहता है, तो मैं इतना मतलब फास्ट नहीं था। मैं 115-120 किलोमीटर का एक नॉर्मल एक एवरेज जो बॉलर होता है, एक एवरेज प्लेयर होता है वैसे, तो 120 किलोमीटर को 150 किलोमीटर कैसे करना है? ये जो आप चलते हो, आप जाते हो किसी मतलब किसी रास्ते पर निकलते हो तो आपको सब चीज़ मालूम होते जाता है कि आपको ये अब करना है, वो तब करना है। तो ऐसा करते 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 इसको बहुत लंबा टाइम लगा सर, 14 साल लगा इसको बोलना चाहिए डिस्कवर करने के लिए। अब आने वाले दिनों में क्या रणनीति है आपको ये जो फास्ट बॉलिंग को लेकर क्या करना चाहते हैं? जी सर, जो मैंने प्लान को डिस्कवर किया हूँ उससे मैं अभी तक के आज से, आप जानते हो सर 2020 में 2021 में पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था, तो इन टाइम में तो स्टूडेंट में मैं काफ़ी कम लोगों को कोच कर पाया हूँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आज तक के मैं देश पूरे देश भर के हर स्टेट के प्लेयर्स को 100 से भी ज़्यादा प्लेयर्स को मैं अभी तक के कोच कर चुका हूँ अपने प्लान से। अब सीधी सी बात है सर, अगर कोई प्लेयर
एक कोई स्टूडेंट है, कोई प्लेयर है, वो 2 साल से ट्रेनिंग करता है, 4 साल से ट्रेनिंग करता है, 6 साल से करता है, 10 साल से ट्रेनिंग करता है, अब उसको 4-5 साल की ट्रेनिंग में वो रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि सीधी सी बात है हर कोई प्लेयर बेहतर बनेगा तो ही खेलेगा। अगर बेहतर है आप, अगर आपके पास परफॉर्मेंस है तो ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल सकते हैं, तो ही आप अपने स्टेट के लिए खेल सकते हैं, ठीक है। तो सर ऐसे मेरे पास कई स्टूडेंट है भैया, वो मेरे को बोलते थे भैया मैं 4 साल से ट्रेनिंग करता हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, मैं 8 साल से कर दिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन वो मेरे प्लान से मेरे पास आके मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताते, मेरे प्लान से मैं उनको ट्रेन करता हूँ तो वही रिजल्ट सिर्फ 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन, 1 महीने के अंदर उनको ऐसे रिजल्ट मिल जाते हैं कि वो विश्वास नहीं करते। जो महीनों से सालों से ट्रेनिंग करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिला, और आप बोल के एक गारंटी देंगे कि भैया हम आपको मेरे प्लान से, आज भी ट्रेनिंग प्लान उसका नाम है, उससे आपको हम 1 महीने के अंदर रिजल्ट देंगे। तो ऐसा सब जब लोगों को ये मालूम हुआ, जो भी प्लेयर्स को ये मालूम हुआ, जिनको ट्रस्ट हुआ कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो 6 महीने का काम आप 15 दिन में कर सकते, तो जब लोगों को मालूम हुआ तो सर लोग जुड़ते गए और आज 100 से भी ज़्यादा प्लेयर को कोच कर चुका हूँ। और भविष्य में मेरा जो लक्ष्य है कि मैं भारत की, जैसे मान के चलिए जो डिस्ट्रिक्ट है, तो आधे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मेरे सिखाए बुलंदशहर प्लेयर खेलना चाहिए। और मेरा एक लक्ष्य है कि मैं 1,000 से ज़्यादा कोच करूँ ऑनलाइन, अगर मेरे को मेरे शहर से सपोर्ट मिलता है, अगर मेरे वालासुनी से, बालाघाट से सपोर्ट मिलता है, तो बिल्कुल मैं अपनी सेवाएं अपने शहर के लोगों को भी दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैं हूँ, यहाँ के लोगों का मेरे को सपोर्ट बचपन से मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से भी प्लेयर निकालूँ, अपने वालासुनी से भी प्लेयर निकालूँ, अपने बालाघाट से भी एक अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर निकालूँ। और आप सब जानते हैं सर आर्थिक स्थिति मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं एक प्रोफेशनल पेस एकेडमी ओपन कर पाऊँ, तो अगर सपोर्ट मिला तो बिल्कुल मैं करूंगा। यानी साफ तौर से ये कहा जाए कि आगामी दिनों में जो आपकी नीति रणनीति जो बन रही है खेल को लेकर के, फास्ट बॉलिंग को लेकर के, एकेडमी ओपन करने के लिए आप एक तरह से कहना चाहिए शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? अगर सर मेरे को सपोर्ट मिलता है, अगर मेरे को मेरे शहर के बोलना चाहिए लोगों से मिलता है, या आप किसी से भी बोलिए, आप किसी भी तरह से सपोर्ट मिलता है कि सर आपको जमीन मिल रही है, क्योंकि एकेडमी के लिए जमीन चाहिए ना सबसे पहली बात, आपको जमीन मिल रही है, आपको आर्थिक से कुछ सपोर्ट मिलता है, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं सेवा देंगे अपने, जब मैं देश के इतने सारे लड़कों को कोच कर सकता हूँ तो मेरे को तो बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने शहर वालासुनी, अपने डिस्ट्रिक्ट बालाघाट के लड़कों को निकालूँ, अच्छे प्लेयर्स बनाऊँ यहाँ से, तो मेरे को मिलिए बहुत गर्व की बात होगी। सर एक बार अपना परिचय देंगे? सर मेरा नाम रत्नेश सोनकर है जी। बताएंगे भैया को आप फास्ट बॉलिंग करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के यानी प्रोत्साहित किए थे, आपके द्वारा काफ़ी मार्गदर्शन दिया गया, लेकिन पेरेंट्स के द्वारा मार्गदर्शन अपने बच्चों को दिया जाता है तभी जा करके वो अच्छे खेल में और पढ़ाई में मिलते हैं, तो ऐसी गतिविधि रख करके आपने जो है भैया को पढ़ाने का कार्य किया, क्या दिक्कतें आई और कैसे क्या आपने कर पाया, क्योंकि उतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति भी स्ट्रांग नहीं है। अब रहा सवाल आर्थिक सवाल का, तो मैंने अपनी जमीन बेचा, कुछ कर्जे लिया, और कुछ मेरे सहपाठी मित्रों और मेरे शहर के लोगों ने, अपने जिले के कुछ लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। अब उतनी मेरी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग को मजबूत नहीं थी कि इनको मैं और आगे भेज दूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा शहर में, जिले में और अपने स्टेट में अच्छा कोच करे, और यहाँ के लोगों का सहयोग रहा तो एकेडमी भी खुल जाए, यही मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, परिचय देंगे अपना? हाँ, मेरा नाम रमेश बोलकर है,